नमस्कार। ऑल एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कल के वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, समर हेड ऑफिस ऑफ होशियारपुर डिप्टी कमिश्नर, हमारे पास चार ऑप्शन थी, देहरा, गोपीपुर, अम्ब, भारबीन, डी ऑप्शन थी कांगड़ा। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, भारबीन। भारबीन में स्थित था ग्रीष्मकालीन हेड ऑफिस होशियारपुर डिप्टी कमिश्नर का। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यारदा दून वैली इज इन, क्यारदा दून वैली कहाँ पर स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर, कांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिरमौर। सिरमौर में स्थित है क्यारदा दून वैली और इसे पनोटा वैली के नाम से भी जाना जाता है। बात सिरमौर की है तो सिरमौर के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, रेणुका मेला सिरमौर में लगता है। और ये कौन सी नदी के किनारे लगता है, ये लगता है गिरी नदी के किनारे। और गिरी नदी किसकी सहायक नदी है, गिरी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। और यमुना का वैदिक नाम क्या है, तो यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। इस तरह आपको क्वेश्चन चेन बनाकर याद रखने हैं ताकि आपको भूले ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, विच टेम्पल इज लोकेटेड इन साइड द नगर कोट फोर्ट कांगड़ा। कांगड़ा का जो नगर कोट फोर्ट है, नगर कोट किला है, उसके अंदर कौन सा मंदिर स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, ब्रजेश्वरी टेम्पल, शक्ति देवी टेम्पल, भीमा काली टेम्पल, ज्वाला जी टेम्पल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति टेम्पल। शक्ति टेम्पल जो स्थित है नगर कोट फोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर इज लाल चंद पार्थी गैलरी सिचुएटेड। लाल चंद पार्थी गैलरी कहाँ पर स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कांगड़ा, अंद्रेटा, कुल्लू, किन्नौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू। कुल्लू कुल्लू में स्थित है लालचंद पार्थी गैलरी। अच्छा, लालचंद पार्थी थे कौन। लालचंद पार्थी जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे और बहुत अच्छे ऑथर थे, राइटर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी कुल्लू देश की कहानी। लालचंद पार्थी ने लिखी थी कुल्लू देश की कहानी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि कुल्लू देश की कहानी बुक किसने लिखी, तो लिखी थी लालचंद पार्थी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज वाइल्डली प्रिवेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बुद्धिज्म का कौन सा सेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में अधिक प्रचलित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, महायान, वज्रयान, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वज्रयान। वज्रयान जो है वो बुद्धिज्म का सेक्ट है और हिमाचल प्रदेश में अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ट्राइब इज फेमस फॉर यूजिंग वुडन यूटेंसिल। इनमें से कौन सी ट्राइब जो है वो लकड़ी के बने हुए बर्तनों को इस्तेमाल करने के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास चार ऑप्शन है, गद्दीस, किन्नौरीज, गुज्जर, कोत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गद्दीस। गद्दीस जो है वुडन के, लकड़ी के बने हुए बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गद्दीस की बात हुई तो नवाला फेस्टिवल जो है वो गद्दीस से रिलेटेड है, नवाला फेस्टिवल। और ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है नवाला फेस्टिवल। हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राशा एंड करासा डांसेस आर ऑफ। तो राशा और करासा डांसेस जो है वो कहाँ के डांसेस हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति, शिमला। तो ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिरमौर। सिरमौर के डांसेस हैं राशा और करासा। सिरमौर के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया, तो एक बार फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, कांगड़ा फोर्ट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। कांगड़ा का जो किला है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तुम्हारे पास चार ऑप्शंस हैं, बाणगंगा, मांझी, हारला और बोथ ए एंड बी। तो बाणगंगा और मांझी इन दोनों के किनारे स्थित है कांगड़ा का फोर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर एट है, गुरु घंटाल गोम्पा इज सिचुएटेड इन। गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, स्पीति, लाहौल, कुल्लू, कांगड़ा। गुरु घंटाल गोम्पा स्थित है लाहौल में, इसका बी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, मोहना सॉन्ग इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट। मोहना सॉन्ग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का फेमस सॉन्ग है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, नालागढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर। बिलासपुर का जो है प्रसिद्ध सॉन्ग है मोहना सॉन्ग। और ये कौन सी भाषा में गाया गया है, ये गाया गया है कहलूरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मलाना इज नोन एज। हमारे पास चार ऑप्शन है, कनाशी, कोलारी, पाली, पहाड़ी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाशी।
मलाना के पीपल जो भी लोग हैं उनके द्वारा कनासी भाषा बोलन है। फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, एन सी नंदी, जे एन बनर्जी, एम सी मेहता, ई पेंडुलम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जे एन बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस आर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। कहाँ कहाँ पर है? एक है मंडी में, एक है शिमला में और एक है कांगड़ा में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट इज इन डिस्ट्रिक्ट, रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, मंडी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट और कितने मेगावाट का है? तो ये है 2 मेगावाट का, रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट 2 मेगावाट का है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रह? इनमें से कौन से धामी सत्याग्रह के लीडर थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, दीनानाथ, भगल भागमल सोहोटा, पदम देव, हीरा लाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भागमल सोहोटा। और क्वेश्चन नंबर 15 है, रामपुर इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर? रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज। सतलुज नदी के किनारे स्थित है रामपुर। अच्छा, अब नदियों की बात आई है तो आपको सभी नदियों के वैदिक नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले सतलुज, सतलुज का वैदिक नाम है स्तुद्री, और व्यास, व्यास का वैदिक नाम है अर्जिक्या, रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी, चिनाब का वैदिक नाम है अशिकनी और यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। तो आपको चेन बनाकर जितने भी रिवर्स हैं उनके वैदिक नाम आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में जब भी नाम पूछे जाएं आप कंफ्यूज ना हो। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, गायत्री देवी टेम्पल विच इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया इज इन, गायत्री देवी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, जगतसुख, पाटलिपुत्र, पतलिकुला, बैजनाथ, चंबा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।